हर दो साल में एक बार डिज्नी का D23 एक्सपो होता है और डिज्नी वहां अपने कुछ आने वाले मूवीज का ट्रेलर दिखाता है और इस बार वहां अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर दिखाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको उसी ट्रेलर का डिटेल दूंगा। शुरुआत होती है गार्डियन ऑफ गैलेक्सी से। सारे गार्डियंस अपने शिप से स्पेस के किसी अजीब से हिस्से से गुजरते रहते हैं। स्टार लॉर्ड सबको सतर्क होने के लिए बोलता है और कहता है कि ये जगह खतरनाक लगती है और तभी थॉर आके उनके शिप से टकराता है, वो भी अपने ग्लैडिएटर के आर्मर में। यानी कि इन्फिनिटी वार की स्टोरी जस्ट थॉर रैग्नारॉक की स्टोरी के बाद शुरू होगी। वो थॉर को शिप के अंदर लाते हैं और मेंटिस उसको होश में लाती है। थॉर होश में आते ही खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो। उसके बाद थॉर और गार्डियंस किसी दूसरे प्लैनेट की तरफ बढ़ जाते हैं और जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो चारों तरफ बस तबाही देखते हैं। फिर नेक्स्ट शॉट हमें मिलता है अर्थ का, जिसमें स्कारलेट विच आगे बढ़ती रहती है और अपने आगे से सारे कार को हटाती जाती है और उसी वक्त बैकग्राउंड में एक आवाज आती रहती है। वो जहां जाता है मौत उसके साथ आती है। फिर लोकी नजर आता है और उसके हाथ में टेजरेक्ट रहता है और वो टेजरेक्ट किसी को दे देता है। फिर नेक्स्ट शॉट क्वींस का रहता है, जहां पीटर पार्कर अपने बस में बैठा है और अचानक उसके हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं और वो डर कर खड़ा हो जाता है। मे बी ये स्पाइडी सेंस हो, जो कि हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखने को नहीं मिली थी। फिर हमें एक शिप दिखती है जो कि एक प्लैनेट की तरफ बढ़ती है। मुझे लगता है ये शिप थैनोस की होगी। टोनी स्टार्क कहता है कि हमारे पास एक ही फायदा है कि वो हमारे पास आ रहा है। शिप क्रैश होती है और वहां खड़े मेंटिस, आयरन मैन, स्टार लॉर्ड, डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स पूरे शॉक में ये देखते रहते हैं। नेक्स्ट शॉट में गमोरा के पीछे से किसी की आवाज आती है और वो डर कर मुड़ती है। स्टार लॉर्ड खौफ में बोलता है ओह नो और एक पोर्टल से वहां थैनोस आ जाता है। फिर एक लड़ाई की सीन दिखाई जाती है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और स्टार लॉर्ड एक साथ मिलकर लड़ते हैं। फिर कई छोटे छोटे शॉट्स मिलते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन अपने नए सूट में और ये वही सूट है जो कि होमकमिंग के लास्ट में दिखाया गया था। फिर एक शॉट जिसमें विजन जेल में बंद है। नेक्स्ट शॉट ब्लैक पैंथर के वकांडन आर्मी की, जिसमें विंटर सोल्जर भी है। फिर कैप्टन अमेरिका दिखता है, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और उसके सूट का कलर भी थोड़ा चेंज है और पहले से ज्यादा डार्क है, मे बी नेवी ब्लू या ब्लैक। नेक्स्ट शॉट रहता है ब्लैक विडो का, जिसके बाल का रंग अब रेड से ब्राउन हो गया है। फिर आयरन मैन अपने नए आर्मर में दिखता है। फिर हल्क बस्टर का एक शॉट मिलता है। नेक्स्ट शॉट में बुरी तरह से घायल पीटर पार्कर गिरा रहता है और आयरन मैन उसका सर अपने हाथ में लिए रहता है। पीटर टोनी को सॉरी बोलता है। किसी दूसरे प्लैनेट पर सारे थैनोस से लड़ते रहते हैं। थैनोस थॉर का सर पकड़कर कुचल देता है। उसके बाद वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके मून को प्लैनेट के नजदीक खींचने लगता है। इससे साफ आइडिया लग जाता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स में कितना पावर है। फिर चारों तरफ तबाही होने लगती है और ट्रेलर का यहीं पे अंत हो जाता है। तो ये थी ट्रेलर की डिटेल जो D23 एक्सपो में दिखाई गई थी। वहां और भी कुछ नए विलेन इन्फिनिटी वार में जोड़े गए हैं, जिन्हें हम ब्लैक ऑर्डर या चिल्ड्रन ऑफ थैनोस के नाम से जानते हैं। इनमें है कॉर्वस ग्लेव, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, इबोनी मॉ और ब्लैक डॉर्फ, और इन्हें भी हम इन्फिनिटी वार में देख पाएंगे। ऐसा उम्मीद है कि ट्रेलर को सैन डिएगो कॉमिक कॉन में पब्लिक के लिए रिलीज किया जाएगा, यानी कि 20 जुलाई से 23 जुलाई के बीच। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो थॉर रैग्नारॉक के रिलीज के टाइम ये ट्रेलर यूट्यूब पे आएगी। तो ये थी पूरी डिटेल अवेंजर्स इन्फिनिटी वार के ट्रेलर की।